एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पुणे में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट की एक इमारत में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। पुणे के पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता के मुताबिक इस इमारत में वैक्सीन का भंडारण नहीं किया जा रहा था। जिस हिस्से में कोरोना की वैक्सीन बनती थी वो जगह सुरक्षित है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे कल सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करने जाएंगे। देश में लोगों में वैक्सीन पर भरोसा जगाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोरोना का टीका लगवाएंगे। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। दूसरे चरण में सुरक्षा बलों के जवानों और 50 साल से ऊपर के लोगों को टीका दिया जाएगा। टीकाकरण के दूसरे चरण की तारीख फिलहाल अभी तय नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल का चुनावी मुकाबला जल्द ही और दिलचस्प होने वाला है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर पीएम मोदी बंगाल का दौरा करने जा रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। बंगाल के बाद प्रधानमंत्री मोदी असम के दौरे पर भी जाएंगे। चुनाव आयोग की टीम बंगाल के दौरे पर है। आज मीटिंग के दौरान बंगाल बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग से कहा, बंगाल में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। इसके साथ बीजेपी ने बंगाल की वोटर लिस्ट में बांग्लादेश के लोगों का नाम शामिल होने का आरोप लगाया। टीएमसी ने बीजेपी के आरोपों का जोरदार खंडन किया है। सरकार के प्रस्ताव पर आज किसान संगठनों ने मंथन किया। सरकार ने किसानों को तीनों कृषि कानून 1.5 साल के लिए टालने का प्रस्ताव दिया था। इसके साथ ही सरकार ने एमएसपी पर एक नई कमेटी बनाने की भी बात कही है। किसानों ने आज अभी तक सरकार के प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं सुनाया है। सरकार के साथ किसानों की अगली बैठक कल होने वाली है। वेब सीरीज तांडव पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। यूपी के कई शहरों में तांडव पर एफआईआर दर्ज होने के बाद आज एमपी के ग्वालियर में भी केस दर्ज कर लिया गया। इसके पहले लगातार 4 दिन के प्रदर्शन के बाद मुंबई में भी केस दर्ज हुआ था। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने वेब सीरीज तांडव के निर्माताओं की गिरफ्तारी पर 3 हफ्तों की रोक लगा दी है। महीनों की पड़ताल के बाद मुंबई में एनसीबी को आखिरकार ड्रग्स केस में बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल मुंबई को ड्रग्स में झोंकने की साजिश में शामिल था दाऊद का गुर्गा चिंकू पठान। चिंकू पठान मुंबई के बीचों बीच ड्रग्स की फैक्ट्री चला रहा था, जिसका आज भंडाफोड़ हो गया। चिंकू पठान के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान हथियार भी बरामद किए गए हैं। देश में पहली बार आज युद्धाभ्यास में राफेल की गर्जना सुनाई दी। राजस्थान के जोधपुर में भारत और फ्रांस की वायुसेनाएं साझा युद्धाभ्यास कर रही हैं। इस दौरान फ्रांस से ही आए लड़ाकू विमानों के बादशाह राफेल ने उड़ान भरी। फ्रांस और भारत का यह अभ्यास 21 जनवरी को शुरू हुआ था और 24 जनवरी तक एक्सरसाइज चलेगी। शपथ के बाद राष्ट्रपति बाइडेन ने पहले ही दिन ट्रंप के कई फैसलों को पलट दिया है। सबसे पहले बाइडेन ने ट्रंप के उस फैसले को पलटा जिसमें ट्रंप ने पेरिस समझौते और WHO से अमेरिका को अलग कर दिया था। बाइडेन ने 7 मुस्लिम देशों पर लगे प्रतिबंध को भी खत्म कर दिया। इसके साथ ही कोरोना पर सख्ती दिखाते हुए बाइडेन ने पूरे अमेरिका में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। शेयर बाजार ने आज नया इतिहास रच दिया। सेंसेक्स आज पहली बार 50,000 अंकों के पार पहुंच गया। कोरोना की वजह से पिछले साल सेंसेक्स में भारी गिरावट देखने को मिली थी। 25,639 अंकों की गिरावट आई थी, लेकिन 7 महीनों के अंदर बाजार ने ऐसी छलांग लगाई कि सीधे 24,000 अंकों की बढ़त के साथ 50,000 के जादुई आंकड़े को छू लिया। ABP News आपको रखे आगे।